हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आर्कविज में। आज मैं आप लोग को 360 का रेंडर कैसे करते हैं और उसका सेटिंग क्या होता है और कितने साइज़ पे रेंडर करना होता है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं मैं। और रेंडर होने के बाद एक प्रोजेक्ट फाइल बना के हम क्लाइंट को कैसे देना है और क्लाइंट उसको मतलब किसी को अगर दिखाना हुआ, समझ लो सोफ़ा का प्राइस क्या है, उसका टाइटल क्या है, मटेरियल क्या है, वो दिखाना हुआ तो वो कैसे करना हूँ मैं आज आपको बताऊँगा। तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने एक फ़ाइल लिया है जो मैंने ऑलरेडी किया है इसका 360। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे अभी देखिए मैंने यहाँ पे कैमरा जो लगाना है आपको क्या करना है, रूम के सेंटर में लगाना है, फ्लोर हाइट जो होता है उसका भी सेंटर लेना है, रूम का सेंटर लेना है आपको, ठीक है। अभी ये मैंने फिजिकल कैमरा लिया हुआ है। अभी आपको क्या करना है, कैमरे को सिलेक्ट करके, कैमरा सिलेक्ट किया, बाद में आपको मॉडिफायर में डालना है कोरोना, कोरोना कैमरा मोड डालना है, ठीक है, ये कर दिया आप। इसके बाद आपको जाना है कैमरा प्रोजेक्शन में जाना है, जहाँ पे ये ओवरराइड और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है स्फेरिकल, ठीक है। ये ऑन करने के बाद अगर आप रेंडर मारेंगे तो रेंडर आ जाएगा। उसके बाद इसका कुछ सेटिंग वो भी बता देता हूँ मैं आपको। आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जैसे अभी मैंने ये HD लिया तो HD ऐसा लेना नहीं है आपको। आपको क्या करना है, कस्टम करना है इसे, आपको जो साइज यहाँ पे सेट करना है आप कर सकते। जैसे यहाँ पे मैंने इसका हाइट लिया है 1000 है, ठीक है, और इसका जो विड्थ होगा 2000 होगा। वन इसका जो होता है ना 2:1 होता है रेशो, आप इसमें रेंडर मारेंगे तो ही आप क्लाइंट को 360 में देखने दे सकते। अगर आप अलग साइज रेंडर मारेंगे तो प्रॉपर पकड़ेगा नहीं वो 360 में। तो जैसे अभी एग्जांपल, अभी जैसे मैं यहाँ पे कैमरा डाल दिया हूँ, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक छोटा सा इंटरेक्टिव मार के दिखाता हूँ मैं कि कैसे आएगा ये, देन इंटरेक्टिव एंट्री। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाना है, क्लाइंट को कैसे डिलीवर करना है। ठीक है, यहाँ पे इंटरेक्टिव रेंडरिंग चालू हो गया है। तो आपको रेंडर इसे लगाना, बाकी जो सेटिंग है आप मेरे हर वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि रेंडर सेटअप क्या है। सिर्फ इसका जो सेटिंग है आपको यहाँ पे ये करना है, 2:1 होना चाहिए। समझ लो आपने, मैंने अगर 1000 लेता हूँ विड्थ तो हाइट आपको 500 रखना है, अगर विड्थ मैंने 2000 लिया तो हाइट आपको 1000 रखना है, 3000 लिया तो इसको यहाँ पे 1500 लिया, 4000 लिया विड्थ तो आपको हाइट लेना है 2000, मतलब क्या है 2:1 का रेशो होना चाहिए, ठीक है। अभी ये तो हो गया, इसे मैं कैंसिल करता हूँ मैं। और आपको प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाना है उसके लिए बताता हूँ। मेरे पास कुछ 360 के इमेजेस हैं जो ऑलरेडी रेंडर किए हुए हैं, तो उसके मैं प्रोजेक्ट फाइल बना के बताऊँगा कैसे बनाना है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा था कि कैमरा कैसे सेट करना है, कैमरा सेट करने के बाद और इसका रेंडर सेटअप का सेटिंग क्या होता है। अगर अब तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। आपको फिर गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको डालना है ये मर्जी पैनो करके, ये ऐप है जिसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं या तो आप डायरेक्ट यहाँ से, यहाँ अभी मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगी क्योंकि ये फ्री है, आपको ये गूगल पे मिल जाएगा, मर्जी पैनो करके है। आपको जाना है मर्जी पैनो टूल्स में, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे सब ऑप्शन दिए हुए। अभी जैसे यहाँ पे कौन से फाइल को सपोर्ट करेगा, फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ढेर सारे ऑप्शन देते हैं, यहाँ पे JPG और TIFF फाइल फॉर्मेट लेगा और यहाँ पे दिया है मैक्सिमम जो होता है स्पेयर साइज जो होता है, यहाँ पे ये साइज चाहिए और मैक्सिमम क्यूब साइज जो होता है, क्यूब का अगर आपको करना है तो 16000 बाय 16000 पिक्सल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं सेलेक्ट फाइल करूँगा, जहाँ पे फाइल में रखा हुआ है उसको सेलेक्ट फाइल। अभी यहाँ पे देखिए मैं ये दोनों फाइल सिलेक्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, ओपन करूँगा तो आ जाएगा। अभी मैं आपको इसका भी रेशो बता देता हूँ, उसको मैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज़ में गया, देन आपको डिटेल्स में जाना है। अभी यहाँ पे देखेंगे इसका जो एक्सपेक्ट रेशो है, जो बोला डायमेंशन विड्थ 5500 है और उसकी हाइट जो है 2750 है, तो ये रेशो है। अभी इसका भी रेशो सेम होना चाहिए, देखिए इसका कैसे 6000 बाय 3000, ठीक है, लेकिन दोनों का रेशो जो है 2:1 का ही रेशो होना चाहिए, ठीक है। अभी ये दोनों फाइल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे ये इंपोर्ट हो रहा है।
और इसके ऑप्शन कैसे देखें, यहाँ पे ड्रैग लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑटो रोटेशन है, अभी मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ऑटो रोटेशन नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है व्यू कंट्रोल बटन, ठीक है। अगर व्यू कंट्रोल बटन अगर मैं नहीं देता हूँ मैं, तो आप जैसे मेरा प्रोजेक्ट फाइल बन जाएगा तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, कंटिन्यू घूमते रहेगा, जूम इन जूम आउट करना नहीं होगा। और मुझे एक ऑप्शन है फुल स्क्रीन बटन, अब मैं ये भी टिक कर दूंगा। इस सब टिक करने से क्या होगा कि यहाँ पे मुझे कंट्रोल मिलेगा कि कैसे मुझे जूम इन जूम आउट करना है, ऊपर नीचे जाना है, आप माउस से भी कर सकते हो, क्लिक पे भी टिक मार के आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा, ये कैसा है, अभी दोनों इंपोर्ट हो गया है, ये मेरा डुप्लेक्स फ्लैट है, तो जैसे अभी ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। ये ग्राउंड फ्लोर पर भी मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है इन्फो हॉटस्पॉट लिखा हुआ है, जैसे इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन किसी का अगर देना है आपको, जैसे मुझे इसका इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे यहाँ पे लिखा है सोफ़ा, तो मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये यहाँ सोफ़ा पीस को रखता हूँ मैं, टाइटल जो देना है इसमें मैंने टाइटल इसका टाइटल दे दिया सोफ़ा, यहाँ पे इसको जो प्राइस देना है तो मैंने नोटपैड में लिखा हुआ है, जैसे अभी सोफ़ा कॉपी किया, देन इसे पेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद इसका प्राइस क्या है वो प्राइस भी मैं यहाँ पे, जैसे मैंने इसका एग्जांपल आपको बता रहा हूँ मैं, इसका प्राइस जैसे 1 लाख, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देन जैसे भी मुझे टीवी यूनिट का लिखना है, जैसे टीवी यूनिट को मैंने यहाँ पे किया, इसको टीवी पे क्लिक करना है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे टीवी यूनिट वॉल, कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट किया, और यहाँ पे जाकर टेक्स्ट में इसकी प्राइस में लिख देता हूँ 20K, तो यहाँ पे जाकर 20K, ठीक है। एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे आपको यहाँ पे फ्रेम का दिखाना है, इसमें ये वुडन कौन सा मैप है, इटालियन मार्बल है, क्या है, आप वो सब दिखा सकते हैं, आपको सिर्फ इन्फो हॉटस्पॉट करना है इसको, और वहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे डाइनिंग टेबल है, तो इन्फो में गया मैं, इसको मैं डाइनिंग टेबल के यहाँ पे लेके आता हूँ मैं इसे, ठीक है। अभी डाइनिंग टेबल का इसे मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पे इसे नाम दिया डाइनिंग टेबल, ठीक है। इसकी प्राइस क्या है, इसे प्राइस मैंने 1.5 लाख, यहाँ पे गया इसे 1.5 लाख, ठीक है, ये हो गया। अभी इसके बाद आपको मैं इसका बताता हूँ लिंक हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है, अभी देखेंगे। अभी यहाँ पे कैसे रोटेशन करेंगे, यहाँ पे आई बटन दिख रहा है, जब भी आप कभी भी आपका माउस वहाँ पे क्लिक करेंगे इसका डिटेल आ जाएगा, तो आपको जो भी इसमें डिटेल ऐड करना है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, आप वैसे उसको ऐड करके बता सकते हैं, आप मटेरियल का भी बता सकते हैं, उसके अंदर उसकी कॉस्ट कितनी होती है उसका बता सकते हैं, ठीक है। अभी ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, अभी मुझे यहाँ से क्या करना है, मुझे इसके फर्स्ट फ्लोर पे जाना है स्टेयरकेस से, तो आपको क्या करना है, लिंक हॉटस्पॉट करना है। अभी लिंक से क्या है, अभी मुझे इसे लिंक वन किया और इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक किया, डायरेक्ट मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, जो डुप्लेक्स फ्लैट है। यहाँ पे भी देखो डाइनिंग टेबल दिया हुआ है, आपको सेम वही प्रोसीजर है, जैसे मैंने यहाँ पे इन्फो में यहाँ टिक किया, यहाँ पे जैसे मुझे लिखना है यहाँ पे डाइनिंग टेबल, ठीक है, ये क्लिक किया। अब इसका प्राइस जैसे मुझे कुछ अलग लिखना है तो यहाँ पे मैं 50K, ठीक है, ये हो गया। समझ जैसे आपको ये सोफ़ा का लिखना है तो आपको इन्फो में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे सोफ़ा, और जैसे मुझे इसकी प्राइस लिखना है 60K, ठीक है। आप ऐसे हर एक चीज़ का इन्फो में जाके आप इसको सब बता सकते हैं, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट के ऊपर, जैसे शैंडिलियर है इसका भी आप सब बता सकते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके नीचे वाले फ्लोर में फिर से जाना है ग्राउंड फ्लोर, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, लिंक हॉटस्पॉट फिर से लिंक करना है मुझे, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके लिए भी फिर से मुझे फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पे जाना, तो मुझे एक सिलेक्ट करना है, ओके करना है, तो फिर मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है। ये तो हो गया इसका सब इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद अभी क्या होता है, जब भी आपका ये व्यूअर जब भी ओपन होगा, आपको फ्रंट पेज क्या चाहिए, जैसे होता है आप यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करते हो, वहाँ पे कैसे फ्रंट पेज होता है, हम फ्रंट पेज देखते हैं अच्छा है तो हम लोग अंदर जाते हैं, तो वैसे 360 का भी फ्रंट पेज होता है, जिसको मैं इसको सेट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट व्यू पे क्लिक करूँगा, तो मेरा ये सेट हो गया है, ठीक है, ये इतना हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है,
ये सब मैंने इन्फॉर्मेशन सब यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब जैसे मुझे ऊपर जाना, अभी देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट मैं ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जैसे इसका इन्फॉर्मेशन चेक करना, आई पे टिक करूँगा तो इसका अमाउंट आ गया, सोफ़ा का हो गया, ठीक है। अभी मुझे ग्राउंड फ्लोर पर जाना है, फिर एरो पे क्लिक करना है तो मैं ग्राउंड फ्लोर पर चला जाऊँगा, ठीक है। अभी इसको मैंने कवर पेज बनाया है इसका। अभी इसके बाद इसको क्या करना है, मुझे एक्सपोर्ट करना है, जो एकदम सिंपल है। एक्सपोर्ट पर टिक मारूंगा तो अलग ही फॉर्मेट में आ जाएगा। तो आपको जो प्रोजेक्ट फाइल होता है, अभी इसका प्रोजेक्ट टाइटल नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ पहले से, तो इसी फाइल नाम से बनेगा प्रोजेक्ट टाइटल। इसका मैं लिखता हूँ ठीक है, ये इसका प्रोजेक्ट टाइटल मैंने लिख दिया है। अभी उसके बाद मैं अभी इसको एक्सपोर्ट करूँगा तो ये अलग फॉर्मेट में रेडी हो जाएगा। उसका बताता हूँ आगे क्या प्रोसीजर है आपको। इसको मैं एक्सपोर्ट किया, देन ओके कर देना तो यहाँ पे आ जाता है ये, ठीक है। अभी आपको इसमें जाना है डाउनलोड में, अभी यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से इसे मैं कट करके मैं मेरे यहाँ पे फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ इसे, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अभी इसको क्या करना है, आपको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू आर्कविज, ये मेरा नाम जो दिया था नाम है, अभी इसको मैंने एक्स्ट्रैक्ट क्लियर किया। तो फिर क्या होता है, एक अलग से एक फोल्डर ही रेडी हो जाता है। तो आपके फोल्डर में जाना है, फिर ऐप फाइल में जाना है। अगर हाँ, एक बार मैं आपको बैक करके बताता हूँ, अगर किसी क्लाइंट को आप देंगे तो आपके पूरा फोल्डर जो आर्काइव मारा हुआ है फोल्डर दे देना है, प्लस आपको क्लाइंट को बताना होगा कि आपकी कौन सी फाइल रन करनी है। जैसे अभी यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है, तो इसको जैसे आप नाम दे दिए, जैसे उसका क्लाइंट का जो भी फ्लैट का नाम है एक्स वाई जेड जो भी है, तो इसको आप राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन विथ मी, इसको आपको गूगल क्रोम में ओपन करोगे तो ओपन नहीं होगा, इसको आपको ओपन करना होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है, ये डिफ़ॉल्ट होता है, आपको इसमें ओपन करना होगा। देन इसको मैं अलाउ करता हूँ मैं, तो आप देखेंगे इस तरह कुछ दिखेगा। जैसे मैंने आपको बताया तो वहाँ पे बटन्स के ऑप्शन थे, ये देखिए आप यहाँ एरो से भी जा सकते हैं, ये सब इसके जूम कर सकते हैं, इसे माइनस कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आई बटन है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसका इन्फॉर्मेशन आ जाता है, ये देखिए क्लिक किया, फिर एक क्लिक और करूँगा, फिर नीचे इसका प्राइस आ गया। तो ऐसे टीवी पे यहाँ पे क्लिक करना है मुझे, फिर इसका इन्फॉर्मेशन आ जाता है। तो आप ऐसे ट्राई कीजिए, आ जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी ये डाइनिंग टेबल का भी वैसे ही है, ये देखिए यहाँ पे सब प्राइस आ गया है। हाँ, अभी यहाँ से मुझे फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, तो एरो पे मैं क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट ये मुझे फर्स्ट फ्लोर पर लेके आएगा। देन आपको यहाँ पर भी सेम वही सोफे का, यहाँ से अभी यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पे लेके जाएगा। तो जैसे आप एक, ये तो मैंने, मेरे पास बड़ा फाइल था इसका मैंने बताया, जैसे आपको 4 BHK का अगर आपको करना है तो उसके लिए 4 BHK हर एक फाइल आपको रेडी चाहिए। जैसे बेडरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, लिविंग रूम हो गया, डाइनिंग हो गया, किचन हो गया, हर एक का 360 निकालने के बाद आप सेम इसी प्रोसीजर से आप कर सकते हो। एंड आपको ज़रूर पसंद आया रहेगा आपको, और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आपको कौन सी वेबसाइट से इसको लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से डायरेक्ट इसे प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हैं और इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कुछ चार्जेस नहीं है, फ्री में है। एंड थैंक यू सो मच।